इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे BOB के ऐप में इस तरीके से लिखा हुआ था सिम कार्ड चेंज डिटेक्टेड इफ इट अपीयर्स टू दैट द सिम कार्ड हैज बीन चेंज्ड। तो यहाँ पर क्या दिक्कत रहती है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए गाइस, जैसे कि हम अपना सिम वगैरह चेंज कर देते हैं, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में डालते हैं, तो इसकी परमिशन समझ जाती है कि आपने सिम को चेंज किया है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये नोटिस देता है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें ओके करना पड़ेगा एंड दोबारा से यहाँ पर प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसीड करने के बाद गेट स्टार्टेड पर टिक करें एंड यहाँ पर जब आप इधर देखें तो लॉगिन पर टिक करें एंड अपना सिम जो है सिलेक्ट करें, जो भी आपने पहले रजिस्टर्ड कर रखा था उसको कन्फर्म करें। यहाँ पर स्वेट दिखाने के बाद यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन आएगा एंड नीचे यहाँ पर कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, तो कन्फर्म पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ रेफरेंस नंबर रहेगा, उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस नंबर रहेगा और यहाँ पर OTP आएगा आपका। जो भी आपको OTP मिले वो यहाँ पर आप एंटर कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली ये डल जाएगा एंड उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पर टिक करके इसे स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप जो है आप अपना एग्जिस्टिंग पिन डालें, ट्रांजेक्शन पिन, ठीक है, जो भी हो आपका, और उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पिन डालें। ध्यान रखिएगा दोनों ही अलग अलग हैं, एक मत डालिएगा और उसे सबमिट पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगा और आपका ये रन कर जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है इसका सिंपल सा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।